अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? वो एमए नहीं मिलता, इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। आपका बॉक्सिंग करियर कैसे सुल्ताना करेगी अपने पिता से सामना, क्या होगा सुल्तान का रिएक्शन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ भाईजान की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सुल्तान 2 के बारे में। सुल्तान सलमान खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म थी जिसके सीक्वल को लेकर YRF ने अनाउंसमेंट कर दी है। YRF यानी यशराज फिल्म। सीक्वल की कहानी की अगर बात करें तो ये मुख्य तौर पे रेसलर सुल्तान अली खान की बेटी पे बेस्ड होने वाली है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे सुल्ताना यानी स्पंदन चतुर्वेदी अपने पिता के बाहर जाने के बाद उनके स्टूडेंट्स को दंगल खेलने के लिए चैलेंज करती है, जिसे सुन वहाँ पे मौजूद सारे लड़के सुल्ताना का मजाक उड़ाने लगते हैं। लड़के के द्वारा मजाक उड़ाए जाने से सुल्ताना घबराती नहीं है बल्कि उन्हें ही चैलेंज कर देती है। सुल्ताना की बात मानकर जब एक लड़का उसके साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होता है तब सुल्ताना उस पे काफी अच्छे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर उसे हरा देती है। सुल्ताना के द्वारा हराए जाने से वहाँ वो लड़का शर्मिंदा हो जाता है, वही बाकी लड़के हैरान रह जाते हैं। अब ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। सुल्ताना के द्वारा हराए जाने पे सब उस लड़के का मजाक बनाने लगते हैं, जिस पे दूसरा लड़का कहता है, रहने दे, तेरे से नहीं होगा, मैं इस छोरी को हरा के दिखाता हूँ। ऐसा कहकर दूसरा लड़का भी सुल्ताना से दंगल खेलने को तैयार हो जाता है। कहने को सुल्ताना सिर्फ 12 साल की थी और वहाँ पे मौजूद सारे लड़के 15 से 18 साल के बीच के थे, जिन्हें हराना एक आम लड़की के लिए मुश्किल होता। हालांकि सुल्ताना न सिर्फ दूसरे लड़कों को बल्कि वहाँ पे खड़े सभी लड़कों को एक दूसरे के बाद एक के बाद एक जीत कर देती है कि तभी पीछे से आवाज सुनाई देती है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ। इस आवाज को सुन वहाँ पे खड़े सभी लोग घबरा कर पीछे देखते हैं तो उन्हें सुल्तान यानी सलमान खान खड़ा मिलता है। सुल्तान अपने पिता को देख कर काफी डर जाती है। सुल्तान देखता है तो सारे लड़के सिर झुकाए हुए हैं, अपने कपड़ों पे मिट्टी लगाए खड़े थे। सुल्ताना के कपड़ों पर भी थोड़ी बहुत मिट्टी लगी और वो भी अपने पिता को देख कर सर झुका लेती है। सुल्तान लड़कों की हालात को देख सवाल करता है, किसने किया तुम लोगों का ये हाल। सुल्तान के इस सवाल पे जहाँ सारे लड़के सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे वही सुल्ताना और ज्यादा घबरा जाती है। सुल्तान को लड़कों की तरफ से ना मिले जवाब पे थोड़ा गुस्सा आता है और वो तेज आवाज में फिर से अपना सवाल दोहराता है। इस बार सुल्तान की आवाज में काफी ज्यादा दम था जिससे शांत खड़े लड़के बहुत डर जाते हैं। फिर उन्ही में से एक लड़का धीमी आवाज में कहता है, सुल्ताना ने किया। उस लड़के की धीमी आवाज पे सुल्तान पूछता है, क्या कहा। जिस पे वो लड़का दोबारा सुल्ताना का नाम लेता है, जिसे सुन सुल्तान के होश उड़ जाते हैं। सुल्तान अपनी बेटी की ओर देखता है जो घबराई हुई अपने सर को झुकाए खड़ी थी। क्या कह रहा है ये सब तूने किया है। सुल्तान गुस्से में सुल्ताना से हरियाणवी आवाज में पूछता है, वो बापू। अपने पिता की डांट से घबराई सुल्ताना ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रही थी, लेकिन जैसे ही सुल्तान ने उसे थोड़ी तेज आवाज में पूछा तब सुल्ताना ने जवाब दिया, जिसके बाद सुल्तान उसे हैरान होकर देखने लगा। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या सुल्ताना अपने पिता के गुस्से से बच पाएगी? आखिर क्या होगा सुल्तान का जवाब? जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।